यशपाल शर्मा का हुआ निधन। पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन, आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से हुआ था निधन। आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। 66 साल की उम्र में हुआ यशपाल शर्मा का निधन। 1983 विश्व कप विजेता टीम इंडिया का था हिस्सा, टीम इंडिया ने 1983 में पहली बार जीता था विश्व कप। यशपाल शर्मा के निधन से खेल जगत में शोक की लहर। यशपाल शर्मा ने 1979 में अपना टेस्ट डेब्यू किया, इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में किया था अपना टेस्ट डेब्यू, जबकि 1983 में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था। यशपाल शर्मा ने 1978 में वनडे डेब्यू किया, 1985 में अपना आखिरी वनडे खेला था। पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन। यशपाल शर्मा के निधन से क्रिकेट जगत में शोक की लहर। पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन। 1983 वर्ल्ड कप विजयी टीम का थे हिस्सा, आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। 66 साल की उम्र में क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन हुआ है। 66 साल की उम्र में हुआ निधन। 83 विश्व कप विजेता टीम का थे हिस्सा। टीम इंडिया ने 83 में पहली बार जीता था विश्व कप। यशपाल शर्मा के निधन से खेल जगत में शोक की लहर। आपको बता दें, यशपाल शर्मा ने 1979 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था, इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में किया था टेस्ट डेब्यू, जबकि 83 में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था। यशपाल शर्मा ने 1978 में वनडे डेब्यू किया और 1985 में आखिरी वनडे मैच खेला। विश्व कप विजेता टीम का थे अहम हिस्सा, जो तरह से 83 में भारत ने पहली बार विश्व कप जीता है, ऐसे में तमाम क्रिकेटर, तमाम सहयोगी जो, और इसी खबर पर हमारे साथ खेल संवाददाता विशाल मिश्रा जुड़े हुए हैं। जी विशाल, आपसे यहां पर जानकारी चाहेंगे। 66 साल की उम्र में क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन हुआ है, चारों ओर शोक की लहर है, किस तरह का माहौल है और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका क्रिकेट के क्षेत्र में इन्होंने निभाई? देखिए, यशपाल शर्मा का निधन एक बहुत बड़ी क्षति है खेल जगत के लिए, और किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि कुछ दिन पहले तक वो बिल्कुल जश्न मना रहे थे 1983 वर्ल्ड कप का, और अभी हाल ही में वो बिल्कुल थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हार्ट अटैक ने एक हम लोगों से एक नया किया, हम लोगों ने छीन लिया। और क्रिकेट में क्षेत्र में योगदान अगर बात की जाए तो 1983 वर्ल्ड कप जिताया इन्होंने, और आज इस तरह से अभी कपिल देव और तमाम प्लेयर कहने लगे कि अब हमारा परिवार टूट गया। यशपाल शर्मा वो प्लेयर थे जो लगातार अपनी टीम को बांधने का काम करते थे, पूरे परिवार में एक ऐसा हिस्सा था 1983 वर्ल्ड कप टीम का, जिन्होंने हर क्षेत्र में जाके लोगों को क्रिकेट खेलना सिखाया और बताया। कहीं भी जाते थे, क्रिकेट की बात करते थे, 1983 वर्ल्ड कप कैसे जीते ये बताते थे, और कहीं ना कहीं ये दर्शाते थे कि कैसे आप हार नहीं माननी है आपको, क्योंकि 1983 वर्ल्ड कप की बहुत कहानी है। लंबे समय से इंडियन टीम के सेलेक्टर रहे, जूनियर क्रिकेट में बहुत योगदान दिया, पंजाब से आते थे, हरियाणा पंजाब ने क्रिकेट को जिंदा रखा, बहुत बड़ा योगदान था और एक युग का अंत है इन्हीं के निधन के बाद। जी, इसके अलावा जिस तरह से 1983 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे थे, एक अहम भूमिका उन दिनों भी निभाई है, और साथ ही साथ इनके जीवन में भी महत्वपूर्ण रहा है, तो तमाम प्लेयर्स जो 1983 विश्व कप विजेता टीम के हैं, उनका इनके निधन पर अब क्या कहना है? देखिए, कोई अपने बोलने की हालत में नहीं है, कपिल देव बिल्कुल अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, उनके बहुत करीबी थे यशपाल शर्मा, बात किया मंगल अमरनाथ की तो वो भी कहीं ना कहीं फोन नहीं रिसीव करे, सुनील गावस्कर का भी रो रो के बुरा हाल है, मतलब पूरी वो टीम जो थी वो पूरे परिवार से लोग कहते थे, हम लोग कहते हैं परिवार था 1983 वर्ल्ड कप का, उसका एक दर्श गया है, पूरी क्रिकेट जगत में शोक है, भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जी बिल्कुल विशाल, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन, 66 साल की उम्र में हार्ट अटैक पड़ने से हुआ है, ऐसे में
जिस तरह से हमारे संवाददाता विशाल मिश्रा का कहना है कि 83 टीम के कप्तान कपिल देव के साथ ही साथ तमाम अन्य खिलाड़ियों का कहना है कि एक युग का अंत है और साथ ही साथ क्रिकेट जगत में शोक की लहर भी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए